हे फूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैं कुछ देर पहले अपना मतलब लास्ट वीडियो का कमेंट सब चेक कर रहा था, उसमें एक कमेंट था आर्यन भाई का, और आर्यन ने बताया मुझे कि डोमिनोज में न्यू एक पिज़्ज़ा आया है बुना मुर्ग, तो आप उसे एक बार ट्राई करो। और मैंने अभी पता किया तो वो दुर्गा पूजा से भी पहले का आया हुआ है, बट मेरे को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। मतलब देख रहे हो, फूडीज को देख रहे हो, ऐसा फूडी है जिसको डोमिनोज के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वाह भाई, खैर कोई नहीं, थैंक्स आर्यन बताने के लिए। आपके बोलने पे मैं अभी फटाफट निकल गया हूँ, और अभिजीत भी है मेरे साथ में, तो हम दोनों जन साथ में जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए बुना मुर्ग। जैसे मैंने कमेंट देखा वैसे ही मैंने अभिजीत को कॉल लगा और फटाफट हम निकल पड़े। तो चलते हैं शॉप में और आप लोगों को दिखाते हैं जाकर कि कैसा है ये पिज़्ज़ा, क्या प्राइस है इसका, वगैरह वगैरह सब कुछ शॉप पे जाके मैं बताता हूँ। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट लाइक कर दो, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसे क्लिक करके इस फैमिली से जुड़ जाओ, और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो ज़्यादा अपडेट रहने के लिए, क्योंकि अभी मैं बहुत जल्द एक ट्रैवल करने वाला हूँ। तो मैं कहाँ जाने वाला हूँ आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो करके रखो, वहाँ पे मैं अपडेट वगैरह देते रहूँगा। बस अब डायरेक्ट शॉप से ही इस वीडियो को मैं कंटिन्यू करता हूँ। ओके, फाइनली मैं अभी डोमिनोज में आ गया हूँ, और मैंने अपने लिए भुना मुर्ग ऑर्डर कर दिया है, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ जब वो आता है तब कि कैसा लगा मुझे उसका टेस्ट वगैरह सब कुछ। और स्टोर काफ़ी होगा तो ज़्यादातर आपको शायद वॉइस ओवर ही देखने मिले। तो अगर मैं रेगुलर भुना मुर्ग पिज़्ज़ा की प्राइस की बात करूँ तो हम लोग अपना 380 रुपये, और वेज पार्सल हम लोगों ने दो लिया है और टोटल हो गया 480 रुपये। वैसे अगर आप यही पिज़्ज़ा मीडियम साइज़ का लेते हो तो 669 चीज़ बस्ट वाले का पड़ेगा, एंड लार्ज वाले में चीज़ बस्ट नहीं है तो आपको न्यू हैंड टोस्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। एंड फाइनली आ गया मेरा ये भुना मुर्ग पिज़्ज़ा और साथ में ये दो वेज पार्सल। तो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट वेज पार्सल को दिखा देता हूँ एक बार, तो ये देख लो। मतलब जब भी मेरा डोमिनोज का चक्कर लगता है तो इसको मैं खाए वगैरह बिल्कुल भी नहीं जा सकता। खैर इसको मैं साइड करता हूँ, अब मैं दिखाता हूँ अपने इस भुना मुर्ग पिज़्ज़ा को। तो अब टाइम है इसको अनबॉक्स करने का। तो ये देख लो, ये रहा मेरा चीज़ बस्ट भुना मुर्ग पिज़्ज़ा, और सबसे पहले मेरा नज़र पड़ा इस बड़े बड़े जूसी चिकन पे जो कि कोटेड है स्पाइसी भुना मसाला के साथ, एंड चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा लिया है तो ये करना तो बनता ही है। क्या कमाल का लग रहा है यार। वैसे ये जो नीचे आप ये जाल टाइप का चीज़ देख रहे हो इसी पे रख के मेरे इस पिज़्ज़ा को बेक किया गया है, बट ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ डोमिनोज में इसके साथ सर्व करते हुए। फटाफट करता हूँ इस भुना मुर्ग को टेस्ट। तो अगर मैं इस पिज़्ज़ा के टेस्ट की बात करूँ तो असली जादू इसके ऊपर जो डला हुआ चिकन है उसमें, लिटरली चिकन से वो स्पाइसी भुना मसाला का फ्लेवर आ रहा है, कमाल का है यार। वैसे एक बार तो ट्राई करना बनता ही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर मैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा नहीं लिया होता तो और भी अच्छे से इस पिज़्ज़ा का टेस्ट आता, क्योंकि चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा होने की वजह से काफ़ी चीज़ी एंड क्रीमी एक टाइप का ही फ्लेवर आ रहा है, और इसमें चिकन का टेस्ट पता ही नहीं चल रहा है कुछ। जब मैं अपने पिज़्ज़ा से चिकन निकाल के खा रहा हूँ तब उसका ओरिजिनल फ्लेवर मेरे को समझ में आ रहा है। वैसे आप इसके ऊपर जो ये ब्लैक ब्लैक देख रहे हो ना, ये कढ़ाई सीजनिंग है डोमिनोज का। तो ये हो गया डन, अब बाकी का बात मैं घर जाके करता हूँ। फाइनली हम लोग डोमिनोज से निकल गए, और वहाँ इतना शोर था कि मैं मतलब अच्छे से वीडियो नहीं कर पाया, और अभी मैं टोटो में हूँ और ये काफ़ी शेक कर रहा होगा, इसलिए मैं कहीं भी अच्छी जगह देखता हूँ तो वहाँ उतर कर रुक कर मैं आप लोग को इसके बारे में डिटेल में बताता हूँ। ओके, पहले यहाँ से चल जाओ यार, काफ़ी मतलब लोग पीछे से हॉर्न वगैरह बजा रहे हैं। तो बाहर मुझे कोई प्रॉपर जगह नहीं दिखा तो मैं सोचा चलो यार अब एक ही बार घर ही में जाके इस वीडियो को मैं एंड कर देता हूँ। और आप लोगों ने भी देखा कि डोमिनोज में बैकग्राउंड में कितना नॉइज़ आ रहा था, ऊपर से संडे भी था तो यार क्राउड होना तो मतलब आम सी बात थी, मतलब क्राउड तो होना ही होना था। तो इसलिए मैं सोचा चलो अब वहाँ से मैं बाहर निकल जाऊँ, बाहर निकल के आप लोगों से बाकी का बात करता हूँ। तो बाहर तो कोई जगह मिला नहीं इसलिए मैं वापस अपने घर आ गया हूँ। तो अगर मैं उस भुना मुर्ग पिज़्ज़ा की बात करूँ तो मुझे तो वो कमाल का लगा, बट मैं आप लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि आप जब भी उस भुना मुर्ग पिज़्ज़ा को ट्राई करो तो उसे आप मतलब मैंने जो लिया था वो चीज़ बस्ट भुना मुर्ग पिज़्ज़ा था, तो मैं आप लोग को बोलूँगा कि आप लोग चीज़ बस्ट वाला मत लेना, वो न्यू हैंड टोस्ट या फिर कोई भी अदर क्रस्ट ले लेना, लेकिन चीज़ बस्ट वाला मत लेना। क्योंकि मैंने एक चीज़ नोटिस करा है और पता नहीं आप लोग मेरे बात से एग्री करोगे या नहीं करोगे, लेकिन मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ मुझे कैसा लगा। तो चीज़ बस्ट से मैंने एक चीज़ नोटिस करा है कि मेरा कोई भी पिज़्ज़ा अगर जो मैं चीज़ बस्ट पिज़्ज़ा लेता हूँ ना तो उस पर वो चीज़ी क्रीमी फ्लेवर ज़्यादा आने लगता है, तो मुझे ओरिजिनल पिज़्ज़ा का टेस्ट नहीं पता चल पाता, तो उससे काफ़ी क्रीमी क्रीमी लगने लगता है, मतलब सब
सब कुछ पिज़्ज़ा का टेस्ट मुझे एक जैसा ही लगने लगता है मेरे हिसाब से, इसलिए मैं आप लोग को बोलूँगा कि विदाउट चीज़ बर्स्ट वाला लेना, तब आपको उसका प्रॉपर टेस्ट आएगा। और स्पेशली वो जो चिकन है उसमें बॉस, वो काफ़ी कमाल का जूसी, एंड मैं कैसे बताऊँ उसको, मतलब जैसे होता है ना आग में रोस्ट करके कढ़ाई में अच्छे से उसको टोस्ट करके आपको दिया गया है, मतलब काफ़ी कमाल का वो मेरे को चिकन लगा स्पेशली। ओवरऑल मैं बोलूँगा पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया है, टेस्ट करके आओ, कुछ नया टेस्ट करने को आपको मिलेगा। काफ़ी दिन बाद डोमिनोज का कुछ न्यू पिज़्ज़ा आया है वर्ल्ड पिज़्ज़ा लीग के बाद शायद, तो जाके एक बार ट्राई जरूर करना आप लोग। तो बस होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, और यहाँ तक देख लिया तो ऑब्वियसली वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो फटाफट इस कर दो वीडियो को लाइक, और अभी तक इस फैमिली से नहीं जुड़े हो तो ये जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे क्लिक करके छोटे से फैमिली का हिस्सा बन जाओ, और जो बगल में बेल आइकन दिख रहा है ना उसे दबाना मत भूलना, क्योंकि उसे नहीं दबाओगे तो आप लोगों को मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। और ऐसे भी काफ़ी सारे कंप्लेन रहते हैं कि भाई आपके वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, तो मेक श्योर कि इस नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे जाके क्लिक कर दो, तो मेरा सारा नोटिफिकेशन आप लोग को मिलेगा। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो कर रहे हो तो फटाफट मेरे को जाके इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, क्योंकि बहुत जल्द मैं करने वाला हूँ ट्रैवल, और वहाँ पे आएगा अपडेट, क्योंकि मैं देखता हूँ कहीं भी मैं ट्रैवल करता हूँ और बाकी लोगों का कमेंट आता है कि भाई आप इस स्टेट आए मेरे को बताया नहीं, इस स्टेट आए मेरे को बताया नहीं। एक्चुअली मैं यूट्यूब पर कम अपडेट देता हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम में ऑलवेज एक्टिव रहता हूँ, तो मैं अपना लोकेशन वगैरह शेयर करते रहता हूँ, तो मेक श्योर कि आप लोग इंस्टाग्राम में भी आ जाओ। चलो बाय। हाँ।